The Mupasa, not G, Gi the Mupasa. Okay, how do we pronounce it? Once again, Gi the Mupasa. Okay, now first we are going to understand something about our author and then we will start with the chapter. Gi the Mupasa, okay, so I have written the pronunciation like this, was a French writer best known for his short stories. तो ये शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे ही रोट अराउंड थ्री हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज अलॉन्ग फ्यू नॉवल्स एंड ट्रैवल बुक्स तो इन्होंने अराउंड थ्री हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज लिखी विच इज अ बिग नंबर प्लस कुछ नॉवेल्स भी लिखी और उन्होंने कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स भी लिखे थे द नेकलेस एंड एन अनकम्फर्टेबल बेड आर सम ऑफ मोस्ट फेमस स्टोरीज आई थिंक द नेकलेस इज अ पार्ट ऑफ क्लास टेन एंड अगेन इट्स अ वरफुल स्टोरी एन अनकम्फर्टेबल बेड ये जो है उनकी काफी फेमस स्टोरीज है ओके नेक्स्ट बिफोर वी स्टार्ट लेटमी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन समटाइम्स इट हैपन्स यू माइट हैव फ्रेंड्स जो कि जो है हमेशा जो है प्रैक्टिकल जोक्स ले करते होंगे प्रैक्टिकल जोक्स मतलब क्या होता है प्रैंग्स करना किसी के ऊपर तो कोई जा रहा है उसके ऊपर पानी डाल देना या फिर कोई जा रहा है उसको फिर सिलवा देना और सम और दिए आप बैठे हो आप ग्लू पर बैठ गए तो दीज आर कॉल्ड एज प्रैक्टिकल जोक्स तो ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कुछ प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीकर जो स्पीकर है उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं एंड राइट नाउ ही इज़ विद दैम उसको लग रहा है ये लोग कोई जोक करने वाले हैं एंड देन ही इज़ ऑलमोस्ट कॉशियस बहुत कॉशियस है वो मतलब एकदम सोच रहा है, नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए ये नहीं, नहीं शायद इसमें होगा शायद उसमें होगा ये जरूर ऐसा होगा बेड ऐसा होगा कर्टन ऐसा होगा लेकिन फाइनली उसके साथ जो होता है वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हिलेरियस लेट स्टार्ट टू रीड द स्टोरी

कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए माई फ्रेंड्स ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स आई डो नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट अब वो बता दें कि जो उनके जो फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स एंड ही इज लाइक आई डोंट केयर मतलब आई डोंट इवन नो पीपल जो लोग प्रैक्टिकल जोक्स नहीं मानते क्योंकि मेरे तो सारे फ्रेंड्स जो हैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब के सब प्रैक्टिकल जोक्स करते रहते हैं when i arrived they gave me a grand reception which at once made me rather suspicious तो जैसे ही मैं आया उन लोगों ने मुझे ग्रैंड रिसेप्शन दिया इसका मतलब ग्रैंड वेलकम दिया और जिससे मैं एकदम से सस्पिशियस हो गया जरूर दाल में कुछ काला है they cheered loudly embraced me and made much of me as if they expected to have great fun at my expense now here you have got two great idioms we will understand them दे चेयर लाउडली इम्बरेस्ड मी मतलब उन्होंने बहुत जोर से शेयर किया जैसे आपका कोई फ्रेंड आता है बोलते अरे वाह तुम आ गए तो उन्होंने चीर किया मतलब गले लगाया का मतलब क्या होता है हक करना गले लगाया मेड मच ऑफ मी मेड मच ऑफ मी मतलब किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन या इम्पोर्टेंस देना कि अरे वाह ये आ गया सभी आ गए बाहर सभी मिल रहे हैं तो आपको लगेगा यार इतनी इम्पोर्टेंस सो दैट इज हाउ यू से दे मेड मच ऑफ मी

तो इसे क्या लगा इसे लगा जो इसके फ्रेंड्स हैं वो इसको इतना अटेंशन दे रहे हैं वो लोग जो हैं इसको इतना ज़्यादा दे आर मेकिंग सो मच ऑफ हेम इसका मतलब वो लोग डेफिनेटली इस पर कोई प्रैक्टिकल जोक करने वाले हैं आई सेट टू माई सेल्फ आउट ओल्ड फेरेट दे हैव सम इन स्टोर यू तो मैंने अपने आप से क्या कहा लुकआउट ओल्ड फेरेट फेरेट का मतलब क्या होता है अ स्मॉल कैट लाइक एनिमल विच हंट्स रैबिट्स बाय एंटरिंग देर बरोज एंड ड्राइविंग दम आउट सो बेसिकली यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक कैट लाइक एनिमल से जो घिरा हुआ है और उसको अपने आप को बचाना है तो उसने क्या कहा अपने आप से संभल जा दोस्त ये लोग जरूर तेरे साथ कुछ करने वाले हैं दे हैव समथिंग इन स्टो फॉर यू मतलब कि इनके दिमाग में कुछ तो खुदा चल रही है ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ वॉज एक्सेसिव मतलब ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ मर्थ का मतलब क्या होता है अम्यूजमेंट स्पेशली एज एक्सप्रेस इन लाफ्टर मतलब एवरीबडी वॉज हैप्पी सब मस्ती कर रहे थे तो मर्थ वॉज एक्सेसिव मतलब कुछ ज़्यादा ही खुशी थी सब जगह आई थॉट हियर आर पीपल हु आर रियली हुई टू amused मैंने अपने आप से सोचा कि यहाँ लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं थोड़े ज्यादा देर डज नॉट सीम टू बी एनी रीजन फॉर सो मच मर्थ इतनी खुशी का तो कोई रीजन भी नहीं है दे मस्ट हैव प्लान सम गुड जोक श्योरली आई एम टू बी दिक्टम ऑफ द जोक अटेंशन तो उसने सोचा ये लोग जरूर कुछ प्लान करें तभी इतने ज्यादा खुश हैं वरना इतनी खुशी का तो कोई रीजन नहीं है और आई एम श्योर आई एम गोइंग टू टू बी द विक्टिम ऑफ दिस जोक मतलब ये लोग बलि का बकरा मुझे ही बनाने वाले हैं आई एम गोइंग टू टू द द बी विक्टिम ऑफ जोक मतलब ये लोग ये लोग सारा जोक मुझ पे ही अप्लाई करने वाले हैं और उसने अपने आप को बोला अटेंशन भैया सावधान हो जाओ द दर इवनिंग एवरी वन लाव इन एन एग्जैचुरटेड फैशन सब लोग जो थे एकदम ऐसा लग रहा था बड़ा चढ़ा के हंस रहे हो कुछ ज्यादा ही खुश थे Just as a dog can smell whatever it is hunting. I could almost smell a practical joke in the air, जैसा एक जो डॉग होता है वो जिसको भी हंट कर रहा है वो उसको स्मेल कर पाता है वैसे मुझे समझ में आ गया कोई तो प्रैक्टिकल जोक ये लोग मुझ पर मारने वाले हैं बट वॉट वॉज इट आई वॉज वॉचफुल रेसलेस अब यहाँ पे लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो जोक है क्या करने क्या वाले हैं ये लोग आई वॉज वॉचफुल मतलब मेरी नजरें हर जगह पर थी एंड आई वॉज रेसलेस अब मैं ऐसे परेशान हो रहा था आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड और अ मीनिंग और जेस्टर अब वो लोग जो भी बात करे थे मैं सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा था मैंने एक वर्ड मिस नहीं किया कोई मीनिंग मिस नहीं किया और जो उनके मूवमेंट्स थे जेस्टर थे मैंने वो भी मिस नहीं किएरी वन सेम टू बी सस्पेक्ट एंड I even looked distrustfully at the faces of the other guests. तो अब वहाँ पे जितने भी लोग थे ना मुझे सब पे doubt हो रहा था सब suspect थे कोई भी मेरे ऊपर practical joke मार सकता था और even जो वहाँ पे जो guests आए थे जो लोग मेरे friends नहीं थे मैं उनको भी एकदम जो है doubt के साथ देख रहा था कि जैसा तुम तो कोई हो नहीं जो मेरे ऊपर कोई practical joke मारने वाले हो The hour struck for going to bed. अब the hour struck for गोइंग टू बेड मतलब सोने का वक्त हो गया द होल हाउस होल्ड पूरा घर मुझको जो है गुड नाइट करने के लिए मेरे रूम तक आया क्यों आए भाई ये लोग दे कॉल्ड मी दे कॉल टू मी गुड नाइट उन्हें मुझे आवाज दी गुड नाइट अब इससे तो मेरा सस्पेशन और ही गहरा हो गया आई एंटर्ड माई रूम शेड द डोर एंड रिमेन स्टैंडिंग मैंने अपना रूम एंटर किया दरवाजा बन गया वही खड़ा रहा

विदाउट डाउट दे व स्पाइंग मुझे समझ में आ गया ये सब यहीं पर है हंस रहे हैं बिकॉज मेरे साथ कोई प्रैक्टिकल जॉक आने वाला है और ये सब मुझ पर नजर रख रहे हैं दे आर ऑल स्पाइंगी आई कैसट ग्लैंस राउंड द वॉल्स द फर्नीचर द सीलिंग द हैंंगिंग्स एंड द फ्लोर आई कैसट ग्लैंस मैंने क्विक लुक दिया किसपे सब जगह जो भी था रूम में वॉल्स फर्नीचर छत सीलिंग और जो हैंगिंग्स हैंगिंग्स मतलब जितने भी जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं या कर्टन्स होते हैं जो भी लटक रहा है एंड द फ्लोर आई चेकड एवरी थिंग आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पेशन मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं जिसमें मुझे लगे कि यार हाँ मे बी यू नो यहाँ मेरे साथ जोक होने वाला है आई हर्ड पर्सन मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर मेरे को आवाजें आ रही थी लोग मेरे दरवाजे के बाहर चल रहे हैं आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल मुझे पता था ये लोग की होल से देख रहे होंगे सो नो दिस गाय इज अंडर द लॉट ऑफ सस्पिशन एन आइडिया केम इन टू माई हेड माई कैंडल में सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कैंडल ही बुझा देता हूँ और यू you नो know, अगर मेरी कैंडल बुझ गई अचानक से तो क्या होगा मैं तो अंधेरे में आ जाऊंगा तो उसने क्या किया सो आई वेंट अराउंड द रूम एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स दैट आई कुड फाइंड तो मैं रूम में गया और जितनी कैंडल्स मुझे मिली मैंने सबकी सब लाइट कर दी आफ्टर दैट आई कैस्ट अनदर अदर ग्लैंस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनी थिंग तो मैंने सारी ऑन कर दी सारी कैंडल्स जला दी काफी ज़्यादा उजाला हो गया फिर मैंने वापस पूरा रूम चेक किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं आई मूव्ड विद शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिन द रूम मैं दबे पाऊँ धीरे धीरे चल रहा था प्रॉपरली रूम को एग्जामिन कर रहा था समझ रहा था कि कहीं कुछ है तो नहीं नथिंग आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल वन आफ्टर द अदर मैंने एक एक आर्टिकल मतलब जो रूम में सामान रखा था मैंने एक एक सामान को इंस्पेक्ट किया एक एक सामान को चेक किया लेकिन कुछ नहीं था वहां पर स्टिल नथिंग आई वेंट ओवर टू द विंडो अब मैं विंडो के पास तक गया द शर्स लार्ज वुडन शटर्स व ओपन जो वुडन मतलब जो विंडोज थी वो ओपन थी उसके जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे आई शड दम विद ग्रेट केयर मैंने बहुत संभलते हुए उन्हें बंद किया एंड देन रि दर्टन्स इन नॉर्मस वेल विथ कर्टन्स फिर मैंने जो है पर्दा लगा दिया और वो बड़े से जो एकदम वेलवेट के जो थिक कर्टन्स होते हैं वैसे थे एंड द चेयर इन फ्रंट ऑफ दैम उनके सामने एक चेयर रख दी कि वहाँ से कोई आए नहीं सो एज टू हैव नथिंग टू फेयर फ्रॉम आउटसाइड ताकि बाहर से तो कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ देन आई सेट डाउन कॉशियसली फिर मैं एकदम कॉशियसली एकदम चौकन्ना होके बैठ गया आम चेयर वो सॉलिड अब आम चेयर भी टूटी हुई नहीं थी ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एकदम कोशिश होकर बैठा ऐसा नहीं कि वो नहीं होता चेयर का एक पैर जो होता है टूटा होता है आप बैठते हो धड़ाम से गिर जाते हो सो आम चेयर भी सॉलिड थी उसमें भी कुछ गलत नहीं था आई डिट डेयर टू गेट इन टू बेड अब मुझे बेड में जाने से डर लग रहा था मुझे लगा इन लोगों ने जरूर बेड के साथ कुछ किया होगा हाउ एवर द नाइट वॉज एडवांसिंग मतलब लेकिन रात जो थी वो आगे बढ़ रही थी मतलब अब काफी आधी रात होने वाली थी एंड आई फाइनली केम टू दंक्लूज रहा हूँ सर्टन डेट माई फ्रेंड्स ऑफ वट एवर जोक देपेड मुझे पता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं वो जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल जोक मेरे लिए किया हुआ है वो मुझ पर अप्लाई हो जाए उसका वो लोग वेट कर रहे हैं बट इन दैट केस दे मस्ट है लेकिन अगर वो मुझ पर नजर रख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं कितने टेरर में हूँ मैं हर चीज़ एकदम ध्यान से देख रहा हूँ तो वो लोग तो एकदम हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि देखो कितना डरा हुआ है आई कुड नॉट लेट देम है मैं अपने ऊपर इतना मजाक तो उनको लेने नहीं दे सकता मतलब मैं अपना इतना मजाक तो नहीं उड़वा सकता आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड तो मैंने ठान लिया कि ठीक है भैया अब मैं जा रहा हूँ बेड पे सोने बट द बेड वॉज पर्टिक्युलरली सस्पिशियस लुकिंग लेकिन मुझे बेड को देख के लग रहा था इसी में पक्का कुछ होगा इसी में या तो मैं इसमें बैठूंगा और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा आई पुल डेट द कर्टन्स मैंने कर्टन्स को पुल करके चेक किया दे सीम टू बी सिक्योर दे वर ऑल ओके ऑल द सेम देर वॉज डेंजर लेकिन ऑल द सेम मतलब बाकी सब ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं कोई डेंजर तो था देर मस्ट भी होना ही चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो प्रैक्टिकल जोक्स करेंगे ही परस गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शार फ्रॉम ओवर हैड हो सकता है जैसे ही मैं सो जाऊँ लेट जाऊं तो मेरे ऊपर ये लोग ठंडा ठंडा पानी डाल दें और पर हैव द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लो विथ माई मेट्रस लेकिन और या ये हो सकता है जैसे ही मैं बेड पे जाऊँगा और लेटूँगा तो वो जो मेट्रस है वो पूरी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced. अब मैंने सोचा कि इन लोगों ने आज तक मेरे ऊपर किस-किस तरीके के practical jokes किए हैं। And I did not want to be caught. और मैं नहीं चाहता था कि इस बार मेरे ऊपर joke हो। Ah, certainly not, certainly not. मतलब नहीं। आज तो मेरे ऊपर joke नहीं होगा। मैं बड़ा cautious रहने वाला हूँ। Then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. फिर मैंने एक प्रिकॉशन के बारे में सोचा जो मेरी सेफ्टी को इंश्योर कर सकता था कि मैं अगर एक प्रिकॉशन लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली मैंने क्या किया जो मैट्रेस था जो गद्दा था उसका साइड उसको पकड़ा और उसे पुल किया एंड वेरी स्लोली ड्रीव इट टूवर्ड मी और मैंने उसे अपनी तरफ खींचा इट केम अवे वो बाहर आ गया बेड से फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ्स और उसके ऊपर जो कपड़े रखे हुए थे वो भी नीचे आ गए आई अट्रैक्ट ऑल दीज ऑब्जेक्ट इन टू द वेरी मिडल ऑफ द रूम फेसिंग द डोर फिर मैंने क्या किया इसको एकदम रूम के बीच में उस मेट्रेस को लगाया जो एकदम दरवाजे को फेस करते हुए था There at some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with some anxiety, I made my bed all over again. फिर क्या किया मैंने there at some distance from the bedstead. Bedstead का मतलब क्या होता है? The frame of the bed. तो अब मुझे लग रहा था frame में कोई problem है तो उससे थोड़े distance में मैंने वापस अपना पूरा bedstall बनाया। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स उसके बाद मैंने सारी जो जितने भी कैंडल्स थी जितनी भी मोमबत्तियाँ थी सब बुझा दी एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझा दी एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर I आई under the bed clothes. And groping, groping का मतलब है मूविंग अनसर्टनली जैसे एकदम अंधेरा हो जाता है तो आप कैसे देख देख के चलते हो कि ओके यहाँ पे ये यह सामान रखा है यहाँ ये सामान रखा है तो उसने अपना बेड नीचे रखा था तो वो धीरे धीरे चलते हुए समझते हुए कि उसने बेड कहाँ रखा है फाइनली वहां पे गया और वो वहां जाके बेड क्लोथ्स के अंदर चला गया मतलब उसने अपने आप के ऊपर चादर उड़ाई और वो सो गया फॉर एटलीस्ट अनदर आवर आई रिमेन्ड अवेक स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड अगले एक घंटे तक तो मुझे नींद नहीं आई हर एक आवाज पे मैं चौंकना हो जाता था एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस आई फेल अस्लीप फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया और मेरी आंख लग गई मैं सो गया आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं एकदम गहरी नींद में काफी देर तक सोया ऑल ऑफ अ सडन I was awakened with a start by a heavy body tumbling down right on top of me. अचानक से आई वॉज़ अवेकेंड अब अचानक से मैं जाग गया बाय विद अ स्टार्ट एक हैवी बॉडी थी जो मेरे ऊपर टम्बल करी जो मेरे ऊपर गिरी पड़ी हुई थी राइट ऑन टॉप ऑफ मी एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस माई नेक एंड माई चेस्ट अ बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर अ हाउल ऑफ पेन एट द सेम टाइम मेरे गले में मेरे फेस पे मेरे चेस्ट पे कुछ बर्निंग लिक्विड सा गिरा जिसकी वजह से मैं दर्द में चिल्ला पड़ा and a ड्रेडफुल noise as इफ a sideboard laden लीडन विथ प्लेट्स एंड had हैड down almost डाउन ऑलमोस्ट डेफिन मी और एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई ऐसा जैसे कि साइड बोर्ड साइड मोर्ड मतलब जो होता है पूरा एक कबर्ड होता है जिसमें आप क्रॉकरी रखते हो तो वो पूरा ऐसा लग रहा था सारी प्लेट्स और सारी जो ग्लासेस वगैरह हैं सब एक साथ गिर गए इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई जिस इट ऑलमोस्ट डेफिनी मतलब एकदम ऐसा लगा मेरे कान ही बंद हो जाएंगे इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई

आई वॉज गेटिंग स्मॉदर्ड बीनीथ इट और उसकी वजह से अब मैं ब्रीद नहीं कर पा रहा था आई वॉज अनएबल टू ब्रीद मतलब वो मेरे एकदम फेस के ऊपर था तो अब मैं ब्रीद भी नहीं कर पा रहा था आई स्ट्रेच आउट माई हैंड टू फाइंड आउट वॉट वॉज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ये देखने के लिए किस तरीके की चीज़ है जो मेरे ऊपर है आई फेल्ट फेस अ नोज एंड विस्कर्स मुझे लगा हो कि देर इज अ फेस और नोज है और मूछे हैं विद ऑल माई स्ट्रेंथ आई स्ट्रक अ ब्लो एट दिस फेस और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक ब्लो मारा उस फेस पे बट आई इमिडिएटली रिसीव द शावर ऑफ स्लैब्स विच मेड मी जंप स्ट्रेट आउट ऑफ अउट ऑफ दोक शीट लेकिन सडनली यू नो आई रिसीव द शावर ऑफ स्लैब्स मुझे बहुत सारे थप्पड़ पड़े टटा टटा टटाख एंड उसकी वजह से जो पूरी सोग्ड शीट्स थी जो पूरी जो शीट्स थी जो मतलब शीट मतलब जो बेड शीट थी जो पूरी गीली हो चुकी थी मैं एकदम से उठा द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था आई जस्ट इन टू द कॉरिडोर विद इन माई नाइट शर्ट और मैं जो था दौड़ के मतलब मैंने देखा भी नहीं और मैं दौड़ के कॉरिडोर की तरफ अपनी नाइट शर्ट में ही भाग गया ओह हैवेंस इट वॉज ब्रॉड डे लाइट एंड देन ही रियलाइज की एकदम सुबह हो चुकी है द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट और इतनी आवाज़ों से सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे रूम के बाहर पहुँच गए ऐसा लुक इन टू द रूम विद डेम और जब मैंने अभी तो मैं डर के मारे बाहर भाग गया जब मैंने वापस रूम की तरफ देखा आई फाउंड लाइंग ऑन माई एम्प्रोवाइज्ड बेडमेड वॉले मतलब मैंने क्या देखा जैसे ही मैंने उस रूम की तरफ देखा तब मैंने देखा कि मेरा जो इम्प्रोवाइज बेड था इम्प्रोवाइज मतलब अपने आप को बचाने के लिए मैंने जो इम्प्रोवाइजेशन किया था मैंने जो अकलमंदी लगाई थी तो वो जो मेरा बेड था उस पर एक डिसमेड वैले बैठा हुआ था डिसमेड मतलब शॉकड एंड अपसेट वैले मतलब अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर अ मैंस पर्सनल आइटम्स एंड टास्क सो बेसिकली जो आपके लिए चायल आता है आपका छोटा मोटा काम करता है वो जो था वो एकदम अपसेट होके और बहुत ही ज़्यादा शॉक होके वो वहाँ पे बैठा हुआ था वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी ही हैड ओवर द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड फॉलन ऑन द स्टमक स्पिलिंग माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस एक्चुअली में हुआ क्या था क्योंकि इन महान जो आदमी थे इन्होंने अपना बेड एकदम रूम के बीच में लगाया लाइट थी नहीं वहाँ पे, वो जो था जो वॉले था उसको एक्सपेक्टेड नहीं था जो उनका जो जो उनके घर काम करता था जब वो आया उनको चाय और ब्रेकफास्ट देने के लिए उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम बीच में कोई जो है बेड लगा देगा तो वो उस पर ट्रिप हो गया और वो जो गदम गर्म था वो चाय और ब्रेकफास्ट पूरा उसके फेस पे और उसके कपड़ों पे गिर गया था I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke I had been trying to avoid. मैंने हर तरीके का प्रिकॉशन ले लिया, मैंने शटर्स को बंद कर दिया, मैं एकदम मिडल ऑफ़ द रूम में सोया, लेकिन इन्हीं प्रिकॉशंस की वजह से मेरे ऊपर वो प्रैक्टिकल जोक हुआ जिससे मैं बचना चाहता था। Oh how they all laughed that day! और उस दिन मेरे फ्रेंड्स कितना हंसे मुझपे

Plus the grammar solutions which are given at the end of this chapter. I hope you understood the chapter very well. In case of any doubts, you can write in the comment section. Remember to tag me so that I can answer you like within hours. Okay, thank you so much once again. Take care of yourself. I'll see you soon in my next video. Bye.